अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेरे सदारत मुल्क भर में फिर से एहसास कफालत प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान में वो तमाम मुस्तहिक ख़वातीन जो किसी भी प्रोग्राम में पहले शामिल नहीं हो सकी, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेरे सदारत दोबारा से उनको मौका मिल चुका है, वो दोबारा से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। अगर आप तमाम मुस्तहिक ख़वातीन अपनी खुद की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी एहसास कफालत प्रोग्राम में दोबारा से रजिस्टर्ड हो जाएँ, तो बहुत आसान तरीका है। दो मिनट लगेगी आप लोगों के मोबाइल में रजिस्टर्ड होने के। रजिस्टर्ड करने के तरीकाकार क्या है, मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, मगर उससे पहले गुजारिश करता हूं जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने में देर मत कीजिएगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आप लोगों को तमाम तरीकाकार तफसीलात के साथ बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह रजिस्टर्ड होना है। जैसा कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे एहसास कफालत प्रोग्राम के बारे में मालूम करना है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों के सामने एहसास NSER सर्वे की पर्ची मौजूद होगी, अगर नहीं है तो भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, और उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने तस्वीर में दिया गया कोड लिखकर आप लोगों ने कर देनी है तस्दीक। जैसे आप तस्दीक करेंगे तो आप लोगों को एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। जो ख़वातीन पहले शामिल हैं तो आपको फौरी मालूम हो जाएगा कि आप लोग रजिस्टर्ड शुदा हैं या फिर नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, और अगर आप लोग फिर भी समझ नहीं आई तो आप अपने करीबी किसी भी एहसास कफालत प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर अपनी खुद की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो मेरा फ़र्ज़ आप लोगों को बताना, जो कि मैं बता चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।